Hello students, in this lecture we will discuss transitive closure of a directed graph. Transitive closure basically एक reachable matrix होती है जिसके through हमें ये पता चलता है कि किसी भी graph में एक particular node किसी दूसरे node से connected है या नहीं है, यानी उसको approach करने के लिए कोई path available है या नहीं है. okay? जैसे कि एक example के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक graph है. इस ग्राफ में मैं बोलता हूँ, अगर मैं देखूँ कि ए से डी को मैं अप्रोच कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए से सी देन सी से डी पहुँचकर हम अप्रोच कर सकते हैं इस पाथ के थ्रू. ओके, तो डी पॉइंट ए से अप्रोचेबल है. तो ट्रांजिटिव क्लोजर में अगर मान लीजिए कोई भी एक नोड दूसरे नोड को अप्रोच कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम उन दोनों पेयर के लिए हम लिखते हैं वन. ओके, अगर रीचेबल है तो वन. ट्रांजिटिव क्लोजर बेसिकली एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा अभी. ओके, तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मान लीजिए कोई भी एक नोड दूसरे नोड, अगर यू और वी दो नोड हैं, यू और वी को मैं उसके सेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे. कब? जब यू से वी को अप्रोच कर सकते हैं. अगर अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो हम वहां पर लिखेंगे जीरो. ओके, तो पहले हम इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेसिकली ये. तो फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ कैपिटल जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ग्राफ कैपिटल जी इज अ ग्राफ जी एस्ट्रिक दैट इज इक्वल टू वी कॉमा ई एस्ट्रिक. ठीक है, मतलब एक अलग ग्राफ के थ्रू, एक अलग सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर वर्टाइसेस का जो सेट है वो सेम है, बट जो ई एस्ट्रिक है वो चेंज हुआ. इसमें केवल हम उन्हीं एजेस को इंक्लूड करेंगे जो एजेस एक वैलिड पाथ बनाती हैं. तो देखिएगा, इन जी एस्ट्रिक फॉर एवरी वर्टेक्स पेयर वी कॉमा डब्ल्यू इन वी देयर इज एन एज ई एस्ट्रिक इफ and only if there is a valid path from V to W in capital G. तो E asterisk में हम केवल उन्हीं edges को represent करेंगे किसी भी एक node से दूसरे node तक पहुँचने के लिए जो एक valid path बनाती हूँ. clear? अब इसको हम एक example के through समझते हैं. देखिएगा, ये ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है. ओके, डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका ट्रांजिटिव क्लोजर हम प्रोड्यूस करेंगे. तो ट्रांजिटिव क्लोजर एक मैट्रिक्स होती है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर फाइव नोड्स हैं, तो फाइव इज टू फाइव की यहाँ मैट्रिक्स बनेगी. ओके, तो ट्रांजिटिव क्लोजर जो होगा दैट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ फाइव इज टू फाइव. ओके, जिसमें कॉलम्स की जगह पर मैं यहाँ पर देखिए ए बी सी डी. ओके, पांच नोड्स हैं, पांच नोड ऐसे लिख लिए और यहां से भी ए बी सी डी ई. अब देखिए मुझे यहां पर एंट्री करनी है. जैसे मान लीजिए ये ए आई जे इस मैट्रिक्स का ये वन वन जो आपका एलिमेंट होगा ए वन वन. ओके, तो दैट विल बी ए टू ए, मतलब ए से ए पहुंचने के लिए कोई पाथ है तो अनडिस्प्यूटेडली ए एक ही नोड है तो सिंपली वो आपस में कनेक्टेड है ही, तो यहाँ पर वन ही हम नोट करेंगे. मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई पाथ अवेलेबल है तो वन लिखेंगे, अगर कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जीरो लिखेंगे. ठीक है, अब देखिएगा ए टू बी, ए टू बी के लिए कोई पाथ है? यस, है एक पाथ है, देखिए एज के थ्रू. तो यहां पर वन पाथ अवेलेबल है तो वन, अगर नहीं होता तो जीरो. देन ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, यस ए टू सी अप्रोच करने के लिए एक एज है तो वन. क्लियर, देन ए टू डी, ए से डी को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? ए टू सी जाएंगे पहले फिर सी टू डी आएंगे, यस अप्रोचेबल है, इट मींस हम वन लिखेंगे. ए टू ई, ए टू ई देखिए, ए टू बी गए, बी से कोई रास्ता नहीं ई के लिए, ए टू सी गए, सी टू डी गए, डी से कोई रास्ता नहीं ई के लिए, इट मींस कि एक से ई को हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे. तो ए टू ई का जो लिंक है दैट विल बी दैट इज नॉट रीचेबल मीन्स जीरो. नॉट इट, नेक्स्ट ऐसे ही बी से लिखते हैं, देखते हैं बी से, देखिए ना तो ए अप्रोचेबल है जीरो, बी से बी तो अप्रोचेबल होगा वो हमेशा रहेगा एक सेम नोड वाला केस. तो बी से फिर सी, सी देखिए नहीं, कोई पाथ ही नहीं बन रहा है. यहां पर समझिएगा ये डी टू बी जा रहा है लेकिन बी टू डी नहीं जा सकते आप,
क्लियर है, तो ये बात समझिएगा। तो बी से सी के लिए कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है, मीन्स जीरो। नाउ बी टू डी देखिए, कोई पाथ अवेलेबल है? नो पाथ इज अवेलेबल, जीरो। बी टू ई नो। ई से बी को अप्रोच कर सकते हैं, बट बी से ई अप्रोच नहीं करेंगे, यही डायरेक्टेड ग्राफ बताता है, ये डायरेक्शन यही बता रहा है। ओके, तो इट मीन्स बी टू ई भी जीरो। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग पॉइंट सी पर, नोड सी पर। नोड सी से ए को अप्रोच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। देखो, ए से सी को अप्रोच कर सकते हैं, सी से ए को अप्रोच नहीं कर सकते, जीरो। सी से बी को अप्रोच कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो। सी टू डी देन डी टू बी, देखिए सी टू डी देन डी टू बी कर सकते हैं, वन। सी से सी वन, सेम नोड पे बिल्कुल आप वन लिख दीजिए। सी से डी यस कर सकते हैं, वन। देखिए सी टू डी के लिए पाथ है आपका अवेलेबल। सी टू ई आप अप्रोच कर सकते हैं? नो, कोई अप्रोच नहीं कर सकते, जीरो। डी से बात करते हैं, डी से ए अप्रोच कर सकते हैं क्या? डी टू बी नो, डी से सी जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे बात खत्म, जीरो। डी से हम ए को अप्रोच नहीं कर सकते। डी से फिर बी को अप्रोच कर सकते हैं? यस कर सकते, डायरेक्ट लिंक है, तो वन। बी से डी से सी को अप्रोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए सी से डी को अप्रोच कर सकते हैं? डी को सी से अप्रोच नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जीरो। डी से डी को अप्रोच कर सकते हैं? यस, वन। डी से ई को अप्रोच कर सकते हैं क्या? नहीं। ई से डी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन डी से ई अप्रोच नहीं कर सकते, जीरो। ओके, देन ई, ई से ए को अप्रोच कर सकते हैं? नो, बी के बाद में कोई रास्ता नहीं, डी के बाद में भी कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ई से आप ए को अप्रोच नहीं कर सकते। ई से आप बी को अप्रोच कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, वन। तो ई से डी को अप्रोच कर सकते हैं? ई से, पहले सी देख लेते हैं, सी को अप्रोच कर सकते हैं? नहीं अप्रोच कर सकते, तो जीरो। ई से डी को अप्रोच कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, वन। ई से ई को अप्रोच कर सकते हैं? यस, वन। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव क्लोजर। दिस इज ट्रांजिटिव क्लोजर, ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का ये ट्रांजिटिव क्लोजर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं और किसी भी ग्राफ के लिए ट्रांजिटिव क्लोजर ड्रॉ कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।